माफिया पर सरकारी विभागों की तरफ से चौतरफा वार शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों 3 माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सोमवार सुबह उनके मकान, फार्म हाउस और संस्थानों पर इंदौर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन ने खजराना क्षेत्र की कादर कॉलोनी में बब्बू के मकान को पोकलेन से तोड़ा। इसके अलावा इलाके में 2 और निर्माण भी तोड़ा। इसमें बब्बू छब्बू का एक फार्म हाउस और दुकान भी है। पूरी तरह अवैध निर्माण है। एक घर है जो लगभग 3000 स्क्वायर फीट से ऊपर किसी तरह बना हुआ है। साथ ही फार्म हाउस है, एरिया में है, वो भी बिना पूरी तरह इलीगल है। साथ ही ऑफिस भी है, ये भी इलीगल है। ये तीनों प्रॉपर्टी है बब्बू छब्बू की है और बिना किसी अनुमति के बनाई गई है। अतः इसको हमने तीनों पर रिमूवल किया जा रहा है। विरोध किसी तरह का सामने आया हो सर यहाँ पर? नहीं, किसी दबाव प्रभाव नहीं, नहीं किसी प्रकार का विरोध नहीं है। चूँकि पूरी पुलिस व्यवस्था थी और चूँकि रात को ही सही पुलिस मोबिलाइजेशन था, सभी को बता दिया गया था, तो किसी प्रकार का बाइक्स भी सर इनके पास थी जो जब्त की गई। फार्म हाउस है वहाँ पर लगभग 45-50 की संख्या में कुछ 2 व्हीलर्स मिले हैं, तो पुलिस सुपुर्दगी दे रहे हैं और इस तरह पुलिस का नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। वहीं संतोषी माता घोटाले में संस्था के अश्विन चिराग पर धोखाधड़ी का केस, तुकोगंज थाना क्षेत्र में भूमाफिया अश्विन और चिराग के खिलाफ जमीन घोटाले में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल प्रशासन माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इंदौर से न्यूज के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट।